फिफ्थ मैथ्स वाली बुक कर रखी आपकी? एक मिनट डेडी करते हैं, क्लास स्टार्ट हो गई डेडी बस। बेटा फिफ्थ वाली बुक करके कुछ वन मिनट स्टूडेंट्स वाली बुक करके जस्ट वन मिनट मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर थोड़ा सा लेट हो गए क्लास के लिए, कोई बात नहीं चलता है। सो वी स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। कल हमारी जो क्लास थी बच्चों उसमें क्या हुआ कि स्कूल सर गए हुए थे और वहां पे ऑनलाइन दूसरे टीचर्स भी अपलोड कर रहे थे और ब्रॉडबैंड उस लोड को ले नहीं पाया, जिसकी वजह से वो वीडियो बार बार कट रही थी। गजराज सर वाली जो क्लास की थी हमने मोबाइल डाटा से की थी तो वो बहुत क्लियर थी, लेकिन बाद में जब वो मोबाइल डाटा खत्म हो गया तो ब्रॉडबैंड पे शिफ्ट करने में प्रॉब्लम आई फिर हमारे को। तो उस चीज से बचने के लिए सर ने फिर आज घर पे वापस से क्लास। चलिए तो हम थे बच्चों पेज नंबर, हमारा पेज नंबर 11 हो गया था कंप्लीट, और पेज नंबर 12 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो सबसे ऊपर दे रखा है बशीर वाला, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे उस दिन, और हमने इसका थोड़ा सा पार्ट इसका सॉल्व कर भी लिया था। उसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसको किस तरह से शॉर्ट आउट हमें करना है। एक मिनट बच्चों, इसको पहले चलिए ठीक है। अभी सबसे पहले तो इसमें जो बशीर वाला जो हमारा क्वेश्चन था इसके अंदर कुछ एक चीजें काफी इंपॉर्टेंट थी। इसमें इसने कहा कि बशीर हैज 100 रुपीज, ठीक है, और इस 100 रुपीज में से इसने क्या किया कि 1/4 मनी को तो इसने खर्च किया स्क्विड के ऊपर, तो हम लिखेंगे 1/4 ऑन स्क्विड। और जो 3/4 पार्ट था इसका ये इसने खरीदा प्रॉन्स पर, ठीक है। तो सबसे पहला काम जब हमने इतना लिख लिया बच्चों तो हमारे को ये पता करना है कि जो ये अमाउंट हमारा है जैसे 1/4 और 3/4 ये 100 में से कितना पैसा होगा। याद रखिए यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको बच्चों 100 ही मिले, जिसका आंसर हमें इजीली मिल रहा है यहाँ पे 100 की जगह पर वो कोई दूसरा नंबर भी दे सकता है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले सर ने क्या बताया था, 1/4 इज इक्वल टू क्या बताया था 0.25, और 3/4 सर ने क्या बताया था 0.75। तो जो भी ये नंबर निकल के आया इससे हम डायरेक्ट उस जो टोटल उसके पास अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करके हम उस पार्ट को निकाल सकते हैं कि कितना होगा। तो जैसे हमारे पास है यहाँ पे 100, तो अपन लिखेंगे 1/4 ऑफ 100, तो यानी कि 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए कई तरीके हैं इसके, तो अब यहां पर हमने क्या किया इस 1/4 को किसमें कन्वर्ट कर दिया 0.25 में मल्टीप्लाइड बाय 100। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए इसका आंसर आएगा बच्चों 25। फिर भी आप देख लीजिए मैं करके दिखा देता हूं, 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 करते हैं इसको, 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, देखिए ये 005, ये हो गया 002, इनको प्लस किया 0052, फिर याद आया कि डेसिमल के बाद दो नंबर है यानी कि डेसिमल के बाद दो जीरो है, तो हमारे पास क्या बच गया 25। तो ये तो हो गया 25 वाला, तो 25 रुपीज में क्या खरीद रहा है ये, 25 रुपीज में खरीदेगा बच्चों स्क्विड को ये, ठीक है। इसी तरीके से अपन यहां लिख लेते हैं साइड में 25 रुपीज
मैं ये लेगा किसको, स्क्विड को, और दूसरा रह गया हमारे पास अब 3/4। तो 3/4 को भी हम इसी तरीके से निकालेंगे, अपन 3/4 ऑफ 100 इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू, 3/4 का सर ने क्या बताया था आपको, 0.75 याद होगा शायद आपको, पहले भी अपन ने फर्स्ट सेकंड या किसी क्लास के अंदर क्लियर किया था। तो जहां पर 3/4 है उसकी जगह पर हम लिखेंगे 0.75 और इससे इस 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या आंसर है हमारे पास, 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो बच्चों इसका आंसर आएगा हमारे पास 75। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे यहाँ पर 25 है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 75। अब जो 75 आया, ये 75 रुपीज में इसको क्या लेना है बच्चों, प्रॉन्स, ये कितने में लेने हैं इसको, 75 में। अब ये जब हमने कैलकुलेशन निकाल लिया, याद रखना लेकिन सॉल्यूशन में आपको शो करनी है कि कैसे निकला हमारा ये पैसा। ऐसा नहीं है कि अपन मन से बोला कि सर 1/4 का 25 होगा, मन से कुछ नहीं होता है, मैं इसमें आपको पूरा का पूरा उसका सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। चलिए अब सर इसको हटा रहे हैं थोड़ी सी देर के लिए। अब हमें पता है कि 25 रुपीज में वो लेगा स्पीड और 75 रुपीज में वो लेगा प्रॉम्प्ट, दो चीजें हमें क्लियर हो गई हैं। तो जैसे अपन बात आते हैं स्क्विड इन 25 रुपीज, तो पहले अपन इसी को करते हैं फाइंड आउट करना, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला सर मैं पहले भी एक बार बताया था, इसका कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ केजी इज इक्वल टू क्या बताया था इसमें, इसका था रेट नहीं, नहीं यार उल्टा हो रहा है, ये था टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। तो टोटल अमाउंट इसके पास कितना है बच्चों, 25 रुपए इसके पास, तो हम लिखेंगे यहां पे 25 रुपए। अब हम देखेंगे कि स्क्विड की रेट क्या है, स्क्विड की कॉस्ट क्या है। तो हमने पिछली क्लास में, यानी कि जो हमारी पहले हुई थी क्लास, उसमें हमने इस चीज को पहले भी देख लिया था, तो सर के भी याद नहीं है तो सर बुक में से निकाल रहे हैं, स्क्विड क्या रेट दी थी उसने, कहां गई स्क्विड, कहां गई। हाँ ये रखा हुआ, देखो ये यहां पर मेंशन किया हुआ है, स्क्विड 4 रुपीज 51 kg, आपकी बुक में आप देख लीजिए इस जगह पर इसको इसने मेंशन किया हुआ है, यानी कि 1 kg का जो रेट है इसका वो है बच्चों 50 का, यानी कि 25 डिवाइडेड बाय 50। तो यहां याद रखना नंबर ऑफ केजी निकालने के लिए टोटल अमाउंट, जो पैसा आपके पास है वो ऊपर आएगा और जो उसकी रेट है वो कहीं नीचे आएगी। तो हमने वही उसी तरीके से किया, जो 25 रुपीज हमने कहां से निकाले, हमने निकाले 1/4 से, कितना निकला था हमारा 100 का 1/4, 25 को हमने ऊपर लिख दिया और उसकी जो रेट है यानी कि 50 रुपीज पर केजी, वो हमने नीचे लिख दिया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, देखिए इसका तो डिवाइड करना ही है ना बेसिकली, तो डिवाइड करके देखते हैं 25 को बच्चों हम 50 से डिवाइड करेंगे। अब आप देखिए ध्यान से, जब हम 25 को स्टार्ट कर रहे हैं 50 से डिवाइड करना, तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों की, 25 तो खुद ही 50 से छोटा है, तो अब ये क्या करेगा, डेसिमल हम लेंगे ऊपर, तो डेसिमल से पहले एक जीरो आ जाएगा, 0 point, ओके, और यहां पर एक जीरो लग जाएगा बच्चों। अब देखो 55 होता है बच्चों 250, यानी कि आंसर कितना है हमारे पास, 0.5 kg, ठीक है। अब 0.5 का सर ने आपको क्या बता रखा है बताइए मुझे, हमने बता रखा है 0.5 को अपन 1/2 या फिर हाफ जैसे भी लिखना चाहे हम उसको लिख सकते हैं। तो इसका आंसर ये भी सही है, इसका आंसर हाफ केजी भी सही है और इसका आंसर 1/2 kg भी सही है। तो यानी कि जो हमारा आंसर निकला स्क्विड का कितना निकला बच्चों, हाफ केजी। अच्छा किसी बच्चे को इस सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में डालो फटाफट, ताकि सर फिर आगे चलेंगे छोड़ के इस टॉपिक को, अगर किसी को भी है तो कमेंट बॉक्स में डालिए फटाफट, अदरवाइज नो लिखिए सो दैट आई कैन कंटिन्यू द टॉपिक, क्योंकि अभी धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है बच्चों चीजें, अगर आपके एक भी स्टेप मिस करोगे तो आगे दिक्कत आपको आएगी बहुत ज्यादा। चलिए कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए फटाफट।
तीन चार सबका नो आ रहा है अभी तक। हाँ एक को प्रॉब्लम है, किसको प्रॉब्लम है भाई? वंश अग्रवाल बेटा प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर मेंशन करो, आपका वंश अग्रवाल के नाम से आईडी है किसी की, बेटा इतनी प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर प्रॉब्लम लिखो। थोड़ा सा हमें स्पीड अप करना पड़ेगा क्लास को क्योंकि टाइम बहुत बचोकिल होता है। आपकी जिन बच्चों ने यस लिखा है बेटा आप प्रॉब्लम भी साथ में मेंशन कीजिए ताकि अपन उसको कर सके फिर सही तरीके से। क्या बेटा फटाफट डालो, सर को आगे निकलना है, यहीं थोड़ी वेट करेंगे अपन। चलिए कोई बात नहीं, अपन एक काम करते हैं, जिस बच्चे की प्रॉब्लम थी बेटा आप मुझे पर्सनल नंबर पर डाल देना, मैं उसको आपको दोबारा से क्लियर कर दूंगा। अभी हम यहाँ पे टाइम खराब नहीं करेंगे हमारा। तो हमने अभी तक निकाला कि स्क्विड जो हमारी 1/4 केजी थी किसका था, ये 1/4 100 का, तो उसका पैसा निकला हमारे पास कितने रुपीज बच्चों, 25 रुपीज। तो 25 रुपीज को हमने किस तरह से किया, हमने फॉर्मूला लगाया नंबर ऑफ केजीज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट का। तो टोटल अमाउंट हमने निकाले थे 25 रुपीज, ऊपर रखे 50 रुपीज की कॉस्ट थी नीचे रखी, इनको डिवाइड किया तो आंसर है 0.5। और सर ने बता रखा है 0.5 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको हाफ भी लिख सकते हैं और 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से स्क्विड हमें पता चल गई कितनी है, 1/2 kg। ये तो हो गया स्क्विड वाला पार्ट ओवर। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रॉन्स पर। इसी तरीके से प्रॉन्स इन 75 रुपीज। तो देखिए इसका भी फॉर्मूला वही आएगा अपना, नंबर ऑफ केजी इज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। ठीक है, तो बच्चों अब टोटल अमाउंट हमारे पास क्या है, 75 रुपीज। तो 75 आ जाएगा ऊपर और जो प्रॉन्स की जो कॉस्ट है वो हमारी आ जाएगी कहां पर, नीचे। जो प्रॉन्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है, प्रॉन्स की कॉस्ट देखिए इसमें यहां पे लिखा हुआ है 150 रुपीज आ केजी। ठीक है, 150 रुपीज आ केजी इसने मेंशन कर रखी है, तो अपन लिखेंगे कॉस्ट हो गई हमारे पास रुपीज 150। इसको अभी ध्यान से देख लो सॉल्यूशन को सर किस तरह से निकाल रहे हैं, क्योंकि सर अभी जस्ट इसके बाद तुम्हें क्वेश्चन देने वाले हैं, ध्यान रखना इस चीज को, कैसे निकालना है उसको, कैसे कन्वर्ट करना है, आप अच्छे समझ लो इसको, सर अभी क्वेश्चन देने वाले इसलिए सर कह रहे हैं। तो इसको हमने निकाला कि टोटल अमाउंट, बेटा लैपटॉप गिनने जाने चाहिए, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट, तो ये हो गया हमारा 75 डिवाइडेड बाय 150। अब प्रॉब्लम वही आई इसके अंदर कि 75 रह गया बच्चों अंदर और 150 आ गया हमारा बाहर, तो 75 रह गया छोटा, तो पहले अपन लगाएंगे 0 पॉइंट और यहाँ पर लग जाएंगे 0। अब जिन बच्चों को 15 की टेबल आती है वो 15 की टेबल रिसाइट करेंगे और जिनको नहीं आती है वो 15 की टेबल को बनाएंगे। वही प्रॉब्लम आ गई ना, बड़ी टेबल है, बड़ी टेबल का सर ने आपको एक तरीका उस टाइम भी बताया था पहले कि हम चाहें तो अगर याद नहीं तो हम उसको लिख सकते हैं। तो हम 15 की देखो 0, तो अगर 150 की लिखेंगे तो 0 तो सब में रिपीट हो रहा है ना यार, इसलिए अपन 15 की बनाएंगे। चलो 15 की बनाते हैं, यहाँ पे लिखे 1 और 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पर आ जाएगा 10, 15, 20, 25, 30 और 35। ठीक है, अब देखो ये 2+1 हो गया 3, तो ये हो गया 30 हमारा, ये 3+1 हो गया 4, तो ये हो गया 45, 4+2 हो गया 6, तो ये हो गया 60, 5+2 हो गया 7, तो ये हो गया 75, 6+3 हो गया 9, तो ये हो गया हमारा 90, और 7+3 हो गया 10, तो ये हो जाएगा एज इट इज 10। तो सबसे पहले अपन देखेंगे 15 के टेबल में 75 आता है क्या, तो हमने देखा कि 15 के टेबल में 75 आता है, कौन से प्लेस पे आता है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि फिफ्थ प्लेस पे है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 और ये हो जाएगा एज इट इज, माइनस किया कुछ नहीं बचा। इसका भी आंसर कितना निकला हमारे पास, 0.5 kg, यानी कि 1/2 kg अपन इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2 kg भी लिख सकते हैं इसको, और अगर अपन ऐसे भी लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि दोनों प्रॉन्स भी और स्क्विड भी दोनों के दोनों ही 1/2 kg आएंगे। अगर आप में से कोई बच्चा इसको हेल्प, चलो ठीक है मैं इसको रब नहीं कर रहा, ओके आप इसको एज अ हेल्प यूज कर सकते हो। अब सर आपको दे रहे क्वेश्चन यहाँ पर अलग दूसरा, अब आप उसके पास है बच्चों कॉस्ट क्या क्या थी, ओके एक के पास में 75 रुपीज और इसमें इसको लेनी है
प्रॉन्स, ठीक है, और 375 रुपीज में इसको लेने हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि 75 रुपीज में हम कितने प्रॉन्स ले सकते हैं और 375 रुपीज में हम कितने स्क्विड ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी टेबल नहीं बन रही है, सर बार बार बोल रहे हैं, अगर आपकी टेबल नहीं बन रही है तो आप उस टेबल को इस तरीके से बनाएंगे। यार ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ये नंबर इसको हटा देते हैं। चलो आप तो खाली 75 रुपीज के प्रॉब्लम्स का बताओ, इसका फिर बाद में सर अभी नेक्स्ट में समझाएंगे आपको। खाली इसका निकाल के मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर डालो कि कितने प्रॉब्लम्स आएंगे 75 रुपीज के अंदर अगर वो लेना चाहता है तो। कॉस्ट आपको पता है कॉस्ट कितनी थी, 50 रुपीज पर। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है 50 रुपीज पर केजी। चलिए फटाफट निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए कि 75 रुपीज में कितने प्रॉब्लम्स लेगा अगर उसकी कॉस्ट है 50 रुपीज पर केजी, ठीक है। चलो फटाफट करो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डालो, जब तक सर आगे का देखते हैं। ये मिटा दिया सर ने, मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा चेकिंग करे। ये लो फटाफट निकालो, कमेंट बॉक्स में डालो इसका आंसर। इसका फॉर्मूला वही रहेगा, नंबर ऑफ केजी इज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। टोटल अमाउंट आपके पास कितनी है, ये है, और कॉस्ट क्या है, ये है। डिवाइड आप खुद कीजिए और डिवाइड करके मुझे इसका आंसर बताइए कि आंसर आपका क्या आया। निकालो फटाफट निकालो बच्चे इसको। फटाफट आपको यहाँ पर निकालना है कि 75 रुपीज में वो कितने प्रॉम्स लेगा। कॉस्ट हमने दे रखी है यहाँ पे 50 रुपीज पर केजी की। तो जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं ये फटाफट इसका आंसर निकाल के मुझे अभी डालेंगे कमेंट बॉक्स में। जल्दी करो ताकि बच्चों फिर हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट कर पाए। ज्यादातर बच्चों का बच्चों आंसर आ रहा है 1.5 केजी, एक बच्चे का आंसर आया 1.4 केजी, किसी का एक का आंसर आया 5.5 केजी, ठीक है। आप सर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, देख लीजिए कि आपने कहां, जिन बच्चों का सही है बहुत अच्छी बात है, अगर किसी बच्चे से कोई मिस्टेक हुई है तो देखिए आपने मिस्टेक की कहां पर है। तो हमारा फॉर्मूला यही था बच्चों, नंबर ऑफ केजी इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। तो देखिए टोटल अमाउंट हमारे पास यहाँ पर कितना है, 75 रुपीज, और इसकी कॉस्ट क्या थी, 50 रुपीज की, यानी कि 50 को से हमें 75 को डिवाइड करना था, ठीक है। अब डिवाइड करके देखते हैं, 75 आ गया अंदर, 50 आ गया बच्चों बाहर। अब देखिए 50 वन जा तो हो गया 50, माइनस किया क्या बचा 25। अब 50 से छोटा है 25, तो अपन यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, एक जीरो लग जाएगा और 5 जा पर चला जाएगा 250, और आंसर हो गया बच्चों 1.5, यानी कि 1.5 केजी। इसको आप अब देखो यहां पर आने के बाद हम इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं इस आंसर को, ये हो गया, उसके बाद हम लिख सकते हैं 1.5 केजी, क्यों, क्योंकि हमने 0.5 को किस में कन्वर्ट कर दिया, हाफ में कन्वर्ट कर दिया, यहां पे तीसरा आंसर,
इसका एक आंसर बनेगा बच्चों 1 kg and 500 grams। याद है 0.5 को कैसे 500 में हमने पहले कन्वर्ट किया था कि केजी में आ रही है 3 जीरो, तो डेसिमल के बाद 3 नंबर आएंगे, 5 अकेला है तो 2 जीरो और लग जाएंगी, भूल गए क्या? तो इस 3 तरीके में से आप कोई भी एक फॉलो करेंगे तो आपके तीनों ही करेक्ट हैं। सर ने आपको अलग अलग इसके बता रखे हैं बस खाली, तो जिन बच्चों का अगर कहीं मिस्टेक किया तो देख लीजिए आपकी मिस्टेक कहां पर हुई है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास को। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीन का बैंक। अच्छा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के क्वेश्चंस इनको आप घर पे दीजिए बच्चों को, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा अच्छा है। वैसे सर भी वर्कशीट के तौर पे अभी देंगे बना के 2-4 क्वेश्चंस जिनकी इनको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है सबको। देखिए बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीन का बैंक। ये टॉपिक आप देखेंगे तो नीचे बुक में पेज नंबर है हमारा कितना है, बुक देना ऑप्शन, पेज नंबर है 12, पेज नंबर है 12 पे मेंशन कर रखा है मीन कर बैंक। बेसिकली अपन बात करते हैं बैंक होती क्या है। तो बैंक बेसिकली एक आप इस तरह समझिए कि थोड़े थोड़े पैसे को इकट्ठा करके एक जगह पर रखा, अमाउंट बहुत सारी हो गई, अब जिस किसी को अगर उस आदमी को पैसा दे देता है। लेकिन बैंक बच्चों कभी भी फ्री में पैसा नहीं देता। ये बिल्कुल आप इसको इस तरह समझो कि आपकी क्लास के अंदर किसी बच्चे को एक पेंसिल चाहिए, ठीक है, आप काम कर रहे हैं सबके पास है, कोई बच्चा अपने पड़ोसी से कहता है कि भाई मुझे ना पेंसिल चाहिए, अभी पेंसिल नहीं लाया, तो वो पड़ोसी कहता है कि ठीक है मैं तुझे पेंसिल दे दूंगा, लेकिन कल मुझे तू मेरे लिए एक टॉफी लेके आएगा, मेरी पेंसिल तो ऑफिस देगा ही साथ में मेरे लिए क्या लेके आएगा, एक टॉफी लेके आएगा। तो बच्चों पेंसिल जो उसने दी थी वो तो वापिस मिल गई, लेकिन जो टॉफी है ये क्या है, ये है बच्चों इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब वो अमाउंट जो उसने एक्स्ट्रा ली। देखो आपने पेंसिल तो वापिस कर दी लेकिन फिर भी आपको टॉफी देनी पड़ी ना, और हमारी मजबूरी क्या थी कि हमें पेंसिल चाहिए थी तो हम उसके लिए एग्री हो गए। तो सेम इसी तरीके से जब बैंक में हम जाते हैं पैसे के लिए तो बैंक वाले हमसे जो अमाउंट हमें देते हैं, सपोज उसने 1 लाख दिया 2 लाख दिया 3 लाख दिया, लेकिन जब हमसे वापस लेते हैं बच्चों, तो जैसे मान लो किसी ने 1 लाख लिया तो कभी 1 लाख वापस नहीं लेते, उससे हमेशा बढ़ा के पैसे वापस लेते हैं, और जो बढ़ा हुआ जो पैसा होता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। और मीन का बैंक में बेसिकली क्या है, फिशर वुमेन्स के पास इतना बड़ा फंड नहीं है जिसको वो लोग काफी ज्यादा बना सके, तो उन्होंने प्लान किया कि बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो गई और सबने कुछ कुछ पैसे एक जगह पर रखने शुरू किए, मतलब इकट्ठा करने शुरू किए, जिससे एक बहुत अच्छा फंड, बहुत अच्छा कलेक्शन पैसे का हो गया। अब उसमें से वो लोग जिसकी रिक्वायरमेंट है वो कुछ पैसा ले लेता है और अपना काम चला लेता है और बैंक को वापिस कर देता है। तो अब आप निकालेंगे सारे बच्चे पेज नंबर 12, और पेज नंबर 12 का सर रीड कर रहे हैं छोटा सा पार्ट, उसके बाद सर फिर इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। द मीटिंग ऑफ द मीनकर बैंक हैज जस्ट बिगिन, फैजला इज द प्रेसिडेंट, 20 फिशरमैन हैव मेड देयर ओन बैंक। अब देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या, डाटा। मैंने पहले बताया था जो नंबर आ रहे हैं इसके अंदर, तो टोटल फिशरमैन कितनी आ रही है इसके अंदर 20, तो अपन इसको लिख सकते हैं 20, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, इन मतलब इस बैंक की जो बैंक के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं वो लोग हैं कितने, 20। अब अपन आगे चलते हैं इसमें, 20 फिशरमैन वुमेन हैव मेड देयर ओन बैंक, ईच सेव्स रुपीज 25 एवरी मंथ, और हर एक को कितना देना है, ईच हैज टू गिव रुपीज 25 कब, एवरी मंथ, ये इनको हर महीने देना है 25 रुपीज, तो इनको हर महीने देने ही देने हैं हर औरत को। अब देखते हैं अपना इसमें क्या कह रहा है, हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ। अब सबसे पहले तो आप इसको इस तरह समझ लो कि 25 औरतों ने एक बैंक स्टार्ट किया, सॉरी 20 औरतों ने एक बैंक स्टार्ट किया, और हर औरत, हर लेडी जो है 25 रुपीज पर मंथ देती है। तो हमें सबसे पहले पता करना है कि उनके पास एक मंथ का टोटल कलेक्शन क्या होगा, तो इन वन मंथ हम लिखेंगे, इन वन मंथ, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर चल रहा है बच्चों, ध्यान रखना, इन वन मंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ वुमेन, चलो इसको आप डायरेक्ट ही कर लो छोड़ो, 25 मल्टीप्लाइड बाय 20, 25 क्या है वो रुपीज है जो हर महीने देती है, और 20 क्या है नंबर ऑफ लेडीज है जो उसके अंदर इन्वॉल्व है, यानी कि 20 लेडीज 25 रुपीज हर दे रही है, तो इनका टोटल अमाउंट कितना होगा बच्चों, तो देखिए 25 होता है 50,
और एक जीरो आ गया हमारा लास्ट में। तो 500 रुपीज ये लोग जो है हर महीने में इकट्ठा कर लेती हैं। इसमें तो जो ये लेडीज हैं ये लोग 500 रुपीज पर मंथ ये लोग इकट्ठा कर लेती हैं। अब ये कहता है हाउ मच मनी दे विल बी कलेक्टेड इन 10 इयर्स, कि अगर ये लेडीज इसी तरीके से इस पैसे को इकट्ठा करती रहें तो 10 इयर्स के अंदर ये पैसा कितना हो जाएगा 10 इयर्स के अंदर। तो अब हमने सबसे पहले देखिए बच्चों किसका निकाल लिया है, 1 मंथ का निकाल लिया है और हमारा आंसर कितना है 500 रुपीज। इसमें अब हम मंथ से बड़ा क्या होता है इस तरह से अपन चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। मंथ से बड़ा होता है ईयर, तो पहले अपन 1 ईयर का निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर 10 ईयर से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो पहले अपन सिर्फ 1 मंथ का, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये इसका आंसर कितना निकला बच्चों हमारे पास रुपीज 500। ठीक है, अब सर इसको हटा रहे हैं थोड़ी देर के लिए क्योंकि अभी सबको आगे निकालना है सेकंड पार्ट इसका क्वेश्चन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 4-10 इयर्स, ठीक है, ये है इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। ओके, तो हमें पता है कि इन 1 मंथ, अपन लिखेंगे पहले इन 1 मंथ, खुशी ओके, इन 1 मंथ कितना निकला अपना 20 फिशरमैन मल्टीप्लाइड बाय 25 रुपीज इज इक्वल टू निकला था हमारा 500 रुपीज। नाउ ये निकल गया 1 मंथ का, ठीक है। अब हमें पता है कि हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, 1 ईयर हैज 12 मंथ्स, तो अपन लिखेंगे इन 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, ठीक है। सो अब जो मंथ का जो निकला उस मंथ वाले पैसे को हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 500 मल्टीप्लाइड बाय 12, अब देखिए 12 5 सा होता है बच्चों 60, हम सिर्फ इस 12 और इस 5 की बात कर रहे हैं, जीरो काउंट नहीं कर रहे हैं। 12 5 सा क्या होता है 60, और 60 तो ये दोनों का आ गया, ये दो जो जीरो बच गए थे ये आ जाएंगे हमारे यहां पे लास्ट में, तो ये आ गया हमारा रुपीज। ये किस कितने दिन में निकला बच्चों इन 1 ईयर, तो 1 ईयर का कितना निकला हमारे पास 6000 रुपीज। अब जब 1 ईयर का निकल गया तो अपन लिखेंगे इन 10 इयर्स इज इक्वल टू 1 ईयर मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 1 ईयर का पैसा कितना निकला था हमारे पास 6000, और इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आंसर आ गया हमारे पास 60000 रुपीस। ध्यान से समझ लो, सब दोबारा बता रहे हैं पूरा का पूरा कैलकुलेशन। सबसे पहले हमें 10 इयर्स निकालने के लिए 1 मंथ का निकालना पड़ेगा, तो हमने 1 मंथ का निकाला, तो ये जो 20 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वुमेन्स को जो इन्वॉल्व है, और ये 25 वो रुपीज है जो कि वो हर मंथ देती है लेडीज, दोनों को मल्टीप्लाई किया बच्चों आंसर है हमारे पास 500 रुपीज, यानी कि ये सारी लेडीज मिलाकर उस बैंक के अंदर 500 रुपीज पर मंथ देती हैं। उसके बाद 1 ईयर निकालने के लिए हमने लगाया कि 1 ईयर के अंदर होते हैं 12 मंथ, सो जो 1 मंथ का आंसर आया उसको हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने वही किया, ये हमारा 1 मंथ का आंसर है, इसको मल्टीप्लाई किया 12 से, जो 12 5 से निकाला हमने 60, और जो दो जीरो थे वो आ गए यहां से इधर, तो ये हो गया हमारे पास कितना टोटल 6000। जब ये 6000 हो गया 1 ईयर का निकला है बच्चों ध्यान रखना अब तक, तो अब हमें निकालना है 10 इयर्स का, तो हमने यहां लिखा सो इन 10 इयर्स 1 ईयर मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी कि 1 ईयर का निकला था 6000, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, आंसर आया हमारे पास 60000। अब आप निकालिए 15 वुमेन्स हैं, हर दिन ईच गिव्स रुपीज 25, ठीक है लिखते जाओ बस 25 एवरी मंथ, आपको निकालना है कि ये 2 इयर्स में कितना पैसा निकाल पाएंगी। सर वापस से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, 15 वुमेन्स हैं, यहां पर 20 था, अब सर ने कितना लिख दिया 15, और हर एक कितना पैसा दे रही है, पैसा उतना ही रखा है सर ने 25 हर मंथ दे रही है, तो आपको निकालना है 2 इयर्स में ये लोग कितना पैसा इकट्ठा कर पाती हैं।
फटाफट कमेंट बॉक्स में डालिए इसका आंसर निकाल के। और ये जो आंसर निकाल रहे हैं ना, मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको, ना कैलकुलेटर यूज करना है, ना लैपटॉप यूज करना है, ना मोबाइल फोन यूज करना है, आप खुद निकालेंगे कॉपी में बैठ के मम्मी पापा के ऑब्जर्वेशन में बस। और लास्ट में अगर हो पाए तो कहाँ आपने निकाला था इनके फोटोज खींच के मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप भी करेंगे, जब तक आप इनको निकालिए। और हाँ, इसमें अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कहाँ किस पार्ट में प्रॉब्लम है, सर अभी क्लियर कर देंगे। और बाकी आप फटाफट इसके आंसर निकालिए, मुझे अभी इसका आंसर चाहिए कि 15 वुमेन्स जो कि हर एक 25 रुपीज सेव करती है एवरी मंथ, वो लोग 2 ईयर्स में कितना पैसा कलेक्ट कर पाएंगी। सर वेट कर रहे हैं 2 मिनट बस, बाहर जाओ कपड़े लो ना। भाई किसी ने जरा देखने तो गला सूख गया था, बच्चों पानी पीने कैसे सर चेक करते हैं किसी का आंसर आया क्या। 9000 आ रहा है सबका ज्यादातर, देखते हैं कमान और निकालो थोड़े से, ऐसे कैसे काम चलेगा यार इतना, तुम्हें पता है कितना डाटा जा रहा है सर का, फटाफट जल्दी निकालो तुम लोग भी। ज्यादातर बच्चों का 9000 ही आ रहा है, ठीक है गुड। मैं हाँ ये आया ना, ऐसे चाहिए मेरे को जो 9240 आया निकल के। भाई कैसे किया तूने यार ये बता मेरे को बस, बाकी सब छोड़ तू मुझे ना व्हाट्सएप जरूर करना तेरा कैलकुलेशन ना गुड। इसमें बेटा आपने जहां मिस्टेक किया उसको पकड़ना, अभी सर पूरा कैलकुलेशन दोबारा करा रहे हैं सारी की सारी, जहां आपसे गलती हुई है हो जाती है मिस्टेक्स, बहुत कॉमन है, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना कि हमारी मिस्टेक हुई कहां पर, तो वो हमें पता होनी चाहिए। चलिए ज्यादा कितने बच्चों के आंसर आ गए हैं सर के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जबकि 18 बच्चे ऑनलाइन है, मेरी समझ नहीं आ रहा बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई। फटाफट सबको डालना है कंपलसरी, ये सबके लिए आंसर, ताकि मुझे पता तो रहे तुम लोग फ्री नहीं बैठना है बेटा वहां पे। मैं देख रहा हूँ बोलते ही सर के बोलते ही अब आंसर आने लग गए हैं गुड। ये बच्चा कहाँ गया हमारा, एक आज अटेंड भी कर रहा है नहीं कर रहा है क्लास ये, इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। चलो कोई बात नहीं, चलिए आप लोगों ने बच्चों डाला है 9000 रुपीज डाला है इसके अंदर आंसर ज्यादातर बच्चों ने, तो एक बार जरा अपन देखते हैं कि कितना आंसर निकल के आया है इसका। तो सबसे पहले अपन इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं, इन वन मंथ इन वन ईयर सो इन 2 ईयर्स हो जाएगा डायरेक्ट, है ना ओके। तो इसका वन मंथ कितना निकलेगा बच्चों, फॉर 2 ईयर्स तो 15 आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 25 आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। आप देखिए 15 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करके देखते हैं चलिए कितना है, 25 मल्टीप्लाइड बाय 15, 5 से 25 का 5 1 चला गया कैरी ओवर, सॉरी 2 चला गया कैरी ओवर, 5 टू 10 प्लस 2 12, ये तो ये हो गया। अब आ जाइए आगे, 5 1 5 और 2 1 2 ये हो गया हमारे पास 375, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 375। ये लोग वन मंथ के अंदर कितना बचा पाएंगे, 375। अब जब ये 375 अपना वन मंथ का निकल गया आंसर बच्चों, तो उसके बाद देखो अपन निकालेंगे वन ईयर का, ये याद रखना सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये स्टेप्स लिखे होने चाहिए सारे के सारे। तो इसको अपन ने किया 375 मल्टीप्लाइड बाय 12, चेक करते हैं कितना आया, 5 टू 10 का 0 1 कैरी ओवर,
सेवन टू जा 14 प्लस 1 15 का 5 अगेन 1 कैरी 1 3 टू जा 6 प्लस 1 7 क्रॉस किया 5 7 3 देखिए कितना आंसर है बच्चों हमारे पास 0 0 5 4 यानी कि आंसर हमारे पास आया 4500 रुपीस। ये आ गया कितना 1 ईयर का। तो अब जब हमारा 1 ईयर का आ गया आंसर, अब हम निकालेंगे 2 इयर्स का। जिन बच्चों का ये आया है बहुत अच्छा किया आपने, और जिन बच्चों का इसके सिवाय अगर कुछ और आया है तो आप अपनी बेटा कैलकुलेशंस चेक करो कि आपका अलग कैसे आया है, ठीक है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं इसी पे। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारा ये हो गया कवर। अब आते हैं हम प्रैक्टिस टाइम पे, जो कि यहाँ पर इसमें है प्रैक्टिस टाइम का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ग्रेसी नीड्स मनी टू बाय अ नेट। ग्रेसी एक फिशर वुमन है जिसको जाल नेट खरीदने के लिए कुछ पैसे चाहिए। झांसी एंड हर सिस्टर वांट्स टू बाय अ लॉन्ग बोट, और झांसी और उसकी बहन को एक लॉन्ग बोट खरीदनी है। सो दे टुक अ लोन फ्रॉम देयर बैंक, दे विल रिटर्न इट विद इन विद इंटरेस्ट। अब देखिए यहां पर आ गया वर्ड इंटरेस्ट, दे विल रिटर्न इट विद इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या बताया था सर ने आपको, इंटरेस्ट बच्चों वो पैसा होता है जो हम लोन अमाउंट एक्चुअल लोन अमाउंट के ऊपर बैंक को रिटर्न करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। अब आइए यहां पे, ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ रुपीज 4000 टू बाय अ नेट। अब सर खाली बस इसको ही कराएंगे, चलिए दोनों क्वेश्चंस करा देते हैं सर, उसके बाद सर आज की क्लास वो एंड अप करेंगे। ये ए और बी वाले सर दोनों क्वेश्चंस करा रहे हैं, उसके बाद आज की क्लास हम खत्म करेंगे यहीं पे। चलिए ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ रुपीज 4000 टू बाय अ नेट। इसने कितना लोन लिया, 4000 का लिया। किसने लिया, ग्रेसी। इसको तो कर रहे हैं सर साफ, यहां कर दिया इसको ग्रीन सर ने। तो पहला है हमारे पास ग्रेसी, इसने कितना लोन लिया, इसने लिया 4000 रुपीज का लोन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपन, शी पेड बैक रुपीज 345 रुपीज 345 एवरी मंथ, ठीक है। अब हम वापस से समझते हैं इसको, ग्रेसी बैंक में गई, उसको एक नेट खरीदने के लिए 4000 रुपीज की जरूरत थी, उसने बैंक से 4000 रुपीज लिए और उसने कहा कि मैं 345 रुपीज हर महीने आपको वापस दूंगी। अब देखते हैं आगे क्या निकला, एवरी मंथ फॉर वन ईयर, कब तक, फॉर वन ईयर। इसने एक साल तक पूरा 345 रुपीज वापिस किए, किसके बदले, जो लोन लिया था 4000 का उसके बदले। आगे चलते हैं, हाउ मच मनी डिड शी पे बैक टू बैंक। अब हमें यह पता करना है कि वन मंथ वन ईयर में इसने बैंक को कितना पैसा दिया। अब देखिए यहां पे हमें वन मंथ का निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे ग्रेसी अकेली है, बैंक है नहीं, तो खाली ग्रेसी का जो अमाउंट है बच्चों इसको वन मंथ का निकालना है अपने को, यानी कि इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। तो अपन लिखेंगे इन वन ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, सो वन ईयर का जो अमाउंट आया हमारा कितना है 345 मल्टीप्लाइड बाय 12। करेंगे इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, चलिए 345 को अगर हम मल्टीप्लाई करें बच्चों 12 के साथ, तो देखिए 5 टू सा 10 का 0 1 चला गया कैरी ओवर, 4 टू सा 8 प्लस 1 9 आ गया, और 2 3 सा आ गया हमारा 6। मल्टीप्लाई किया यहां पर आ गया 5 4 और 3। वापस चेक करते हैं एक बार कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 5 टू सा 10 का आ गया 0 1 चला गया कैरी ओवर, 4 टू सा 8 प्लस 1 हो गया 9 और 3 टू सा हो गया 6 सही है। उसके बाद देखिए 1 से किया तो 5 आ गया, 1 से किया 4 आ गया, 1 से किया 3 आ गया, तो आंसर क्या आया हमारा 0 9 प्लस 5 होता है बच्चों 14 14 का आ गया 4 1 चला गया यहां पर कैरी ओवर, ठीक है। 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11 का आ गया 1 और वापस से 1 कैरी ओवर चला गया यहां पर, तो ये बना हमारे पास इज इक्वल टू 4140 रुपीज। अब आप देखिए ध्यान से इस चीज को, उसने लोन कितना लिया था 4000 और वापस कितना किया उसने 4140। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है इसने कितना 140 रुपीज, ये एक्स्ट्रा अमाउंट क्या है,
इट्स कॉल्ड इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट है ये, इस एक्स्ट्रा अमाउंट को जो उसने निकाला है। कुछ बच्चे बेटा आपका कमेंट बॉक्स में आंसर मेरे बराबर ही डाल दिया, इवन कुछ ने तो मुझे ऐसा लग रहा है पहले भी डाल दिया था, कोई बात नहीं, आपको समझ आना चाहिए। अब ये बताओ कि यहां तक इस टॉपिक तक क्या किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? है तो लिखेगा यस, और नहीं है तो लिखेगा नो, ताकि सर फिर इसको छोड़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना निकालेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है आप लिखिए यस विद प्रॉब्लम, और नहीं है तो लिख दीजिए सिंपल नो फटाफट। चलो शाबाश सर, दो मिनट वेट करेंगे। नहीं है, एक दो, दोनों आ गए सबके पास, उसके तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, बच्चों 22 बच्चे ऑनलाइन है, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? आप लोग अगर, मैं बता रहा हूँ क्लासेस आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, बच्चों आगे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे चला जाऊंगा फिर टॉपिक छूट जाएगा अगर किसी बच्चे का भी इशू है तो। सर बार बार कह रहे हैं कि अगर एक भी बच्चे की प्रॉब्लम है तो सर पूरा टॉपिक आपको दोबारा बताएंगे, आप उसकी चिंता मत करो, लेकिन अगर है तो बताओ। तो ज्यादातर बच्चों का अभी तक बेटा नो आ रहा है अपने पास में। चलिए अपन अब लेते हैं इसका बी पार्ट, हम ले रहे हैं पेज नंबर 13 पे। आप निकालिए, झांसी एंड हर सिस्टर टुक अ लोन ऑफ रुपीज 21,000। अब यहां पर इनका जो लोन अमाउंट है वो है बच्चों 21,000। देखो इसको सर मिटा रहे हैं, फिर भी एक बार लास्ट बार समझा रहे हैं अगर किसी बच्चों को डाउट हो तो, कि लोन लिया था ग्रेसी ने 4,000 का, वापिस किया 345 एवरी मंथ किया था, इसलिए वन ईयर का निकाला तो 12 मंथ्स होते हैं, तो इसको हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, आंसर निकला ये। इसके अंदर 4,000 जो पहले वाला है ये तो था वो पैसा जो उसने बैंक से लिया था, और 140 रुपीज का इंटरेस्ट है। देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको, इस क्वेश्चन में इसमें इंटरेस्ट नहीं पूछा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आने वाले किसी और क्वेश्चन में या फिर एग्जाम में इंटरेस्ट ना पूछे, क्योंकि इसने इंटरेस्ट वर्ड मेंशन कर दिया बुक के अंदर, तो वो कभी भी आपको इंटरेस्ट का क्वेश्चन दे सकता है। चलिए इसको अब सर हटा रहे हैं सारा का सारा बोर्ड से, और अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है झांसी एंड हर सिस्टर इन्होंने लोन कितना लिया बच्चों 21,000 रुपीज का टू बाय अ लॉन्ग बोर्ड, दे पेड बैक अ टोटल ऑफ रुपीज 23,520। जो इन्होंने टोटल पे बैक किया वो कितना पैसा है, इसको पेड बैक कर देते हैं, वो निकला इनका 23,520। यहां पर इस क्वेश्चन को आप समझिए, थोड़ा सा इसने क्या किया उल्टा कर दिया। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि लोन हमारे पास होता था और वो हमें हर महीने के पैसे देता था, और हम उससे एक साल का निकालते थे 12 से मल्टीप्लाई करके, याद रखना क्या करके, मल्टीप्लाई करके। अब ये क्या कर रहा है कि इसने हमें टोटल पैसा ही दे दिया, कि उन्होंने एक साल के बाद इतना पैसा वापस किया बैंक को। आपको बताना है कि उन्होंने हर महीने हाउ मच दे विल दे पे बैक एवरी मंथ, हर महीने कितना पैसा किया। तो बच्चों याद रखना उस चीज को, जब मंथ का होता है और ईयर का निकालना होता है तो हमने क्या किया था अभी थोड़ी देर पहले, मल्टीप्लाई, और अब ये हो गया ईयर का और मंथ का निकालना, यानी कि उल्टा चलना है। तो बच्चों मल्टीप्लाई का रिवर्स क्या है, मल्टीप्लाई का उल्टा होता है डिवाइड। तो आप इसको तो डिवाइड किससे करना है हमें, इसको वन ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ्स, तो सीधा इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना है आपको, टोटल अमाउंट ठीक है। सो अपन लिखेंगे वन ईयर पेड इन वन ईयर पेड बैक, इसको अपन यहां पर एक लाइन और मेंशन कर दीजिए बच्चों इन वन ईयर, ठीक है। तो अपन लिखेंगे इन वन ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। तो हमें इस बड़े हिस्से को छोटे छोटे पार्ट्स में वन वन मंथ के पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये होगा हमारा डिवाइड इज इक्वल टू 23,520 डिवाइडेड बाय 12। यहां डिवाइड सर ने इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास अब तक क्या होता था, वन मंथ में कितना पैसा दे रहा है वो करके अपन ईयर का निकालते थे, अब इसने क्या किया पूरे साल का इकट्ठा पैसा दे दिया और हमसे पूछ रहा है कि वन मंथ में कितना देना है, तो उल्टा हो गया। पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हमें करना पड़ेगा इसको डिवाइड, तो डिवाइड करना है इसको 12 से, तो करके देखते हैं। चलिए 23,520 डिवाइडेड बाय 12 स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलो 12 वन 12
ट्वेल्व टू सा 24 हो जाएगा, 23 से बड़ा इसलिए अपन नहीं ले रहे, टू सा माइनस किया इसको, क्या बचा 1 और 1 11। अब यहां से जो है बच्चों इतना 5 नीचे, जब 5 नीचे आ गया तो देखिए 12 नाइन सा होता है बच्चों 108। अगर आपको टेबल्स याद नहीं है, पहला काम है टेबल से याद करना अप टू 20। देखिए इनमें बार बार आपको सर बताएंगे नहीं कि कैसे निकाला, आपको टेबल याद होनी चाहिए हर बच्चे को। 12 लाइन का होता है 108। अब हमने क्या किया, जब माइनस किया तो अब बच गया हमारा 7। 7 बचा तो ऊपर से कौन उतरा भाई, 2 आया ऊपर से नीचे, तो ये बन गया हमारा 72। तो ये होता है 12 6 का 72, माइनस किया कुछ नहीं बचा, तो ये लास्ट का जो 0 है ये चला जाएगा ऊपर यहां पर, और ये आंसर कितना बच गया हमारा 1960, यानी कि 1960 एवरी मंथ। अब आपको करना क्या है ये भी सुन लो, जब हमारा ये पैसा निकल गया तो इसको जरा 12 से मल्टीप्लाई करके भी देख लो कि यही आंसर आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो आंसर हमारा सही है, और अगर गलत है तो ये हमारा आंसर नहीं आएगा। आज की क्लास में हम लोगों ने खत्म किया है हमारा पेज नंबर 12 का मीन कर बैंक वाला पार्ट और ऊपर का एक क्वेश्चन। देखो आप ये मत सोचो कि सर आधी घंटा ले लेते हैं, पौन घंटा ले लेते हैं, खाली 3 क्वेश्चन कराते हैं। देखो कराने को आधे घंटे में पूरा लेसन भी खत्म हो सकता है, लेकिन उसका बच्चों कोई मीनिंग नहीं है, बात को समझो आप, है ना। इसलिए सर बहुत धीरे धीरे लेके चल रहे हैं टॉपिक्स को। अभी हम आ गए हैं हमारा इसमें फिश फैक्ट्री वाला रह गया एक तो टॉपिक, उसके बाद थोड़ा सा और है और ये लेसन हमारा खत्म है। सर कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा खत्म कर दें। अभी ये बताओ कि इस टॉपिक तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो यस और नो जो भी लिखना है आपको लिखो कमेंट बॉक्स के अंदर, फटाफट लिखो। सर सिर्फ 2 मिनट और वेट करेंगे, 2 मिनट के बाद सर सीधा वीडियो क्लोज कर देंगे। अगर किसी इंडिविजुअल को प्रॉब्लम है अभी डाल दोगे तो सॉल्यूशन आपका अभी निकल आएगा, सर टाइम एक्सटेंड कर देंगे। नहीं है बाद में आती है तो मेरे पर्सनल नंबर पर डालना ताकि मैं आपको इंडिविजुअल बता सकूं उस चीज को। 2 मिनट सर वेट कर रहे हैं। अगर किसी का यस आता है विद प्रॉब्लम आता है तो सर वीडियो कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज सर आप वीडियो बंद कर रहे हैं। थैंक यू बच्चों आज की क्लास के लिए। सर फिर भी सर 2 मिनट वेट कर रहे हैं आपका, आपके कमेंट्स का। फटाफट डालो बच्चों, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो सर फिर उसको फटाफट अभी करके खत्म करेंगे, अगर नहीं है तो फिर सर बंद करने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में, इसलिए जो भी कमेंट आपको डालना है फटाफट डालो। Okay then, we are closing today's class. Thank you बच्चों, next class सर जो भी होगा time, मतलब timing सर का ध्यान रखना 9 से 11 के बीच में रहेगा। Days का लेके सर का issue है थोड़ा सा, कई बार स्कूल भी जाना पड़ जाता है या घर पे भी छोटा मोटा काम होता है, अभी जानते हो मार्केट भी इसी टाइम के बीच में खोलता है, इसलिए थोड़ा सा रहेगा अभी, बाकी सर आज का बंद कर रहे हैं। थैंक यू।